नमस्कार दोस्तों, आज हम लालचंद जी के घर आए हैं और ये जोबनेर में लालचंद जी का बच्चा जो है जिसका नाम है विकास कुमावत, जो कि पिछले 2022 में सेलेक्ट होके और बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। आज हम उनके भैया हैं, उनके ताऊ जी हैं, उनके दादाजी हैं, दादी जी हैं, सभी परिवार के सदस्य बैठे हैं। इनसे अपन पूछते हैं सीएलसी के बारे में। सर नमस्कार। सर आप बताएं सीएलसी के बारे में। सर सीएलसी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे छोटे भाई जो विकास हैं, 2021 में हमने उनका एडमिशन करवाया वहाँ और 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में हमें गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर मिला। वह हम बेहद आभारी हैं सीएलसी परिवार के कि एक ही साल में, पहले ही अटेम्प्ट में हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ। ये इसलिए सीएलसी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा तो उनका जो सिलेबस है वो बड़े ही व्यवस्थित ढंग से और टाइमली कंप्लीट होता है सर। और वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं बेहद अनुशासित हैं, कोऑपरेटिव हैं और पूरी तरह बच्चे को कोऑपरेट करते हैं। सिलेबस के दौरान बीच बीच में जो उनकी सबसे बढ़िया नीति है कि टेस्ट वगैरह, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं और बच्चे की जो ऑब्जेक्शन क्लासेज हैं वो ऑब्जेक्शन भी क्लियर करवाए जाते हैं। कोऑपरेटिव सर ने, श्रवण चौधरी सर ने बहुत अच्छी टीम मैनेज कर रखी है, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज जो अभी टेस्ट सीरीज जो चलती है वो भी बड़ी पारदर्शी ढंग से चलती है। हमारे सामने उनके परिणाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं बायोकेम वाली, जो अब बहुत सही तरीके से अभी बिल्कुल लेटेस्ट चल रही है सर। बिल्कुल। हाँ, तो ये बच्चे के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। और वहाँ का एनवायरनमेंट सर, एक ही कैंपस के अंदर सारी व्यवस्थाएं बड़ी पसंद आई। और दूसरी चीज कि वहाँ का जो हॉस्टल है उसका मैनेजमेंट भी सर बहुत बढ़िया लगा। आज के परिवेश में इतना बेहतरीन मैनेजमेंट है कि हाइजीनिक खाना बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे को दिया जा रहा है और शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार का जो मूल मंत्र उनका है वो भी बहुत ही खूबसूरत है कि अध्यात्म वगैरह इनका भी ध्यान रखा जाता है, संस्कार भी बच्चे में है और शिक्षा तो वहाँ की सर सर्वोपरि है। इसी के साथ ये पहला बच्चा नहीं है सर हमारा, एक हमारे बुआजी की बच्ची और है, वो भी उसको एम्स कॉलेज मिला, उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएलसी से। अरे सर वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2019 में उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिला। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे मोर इंटेलिजेंट नहीं थे, एक जनरल बच्चे के साथ में इतना कर पाया, तो सीएलसी परिवार का आभार व्यक्त कर रहे हैं हमेशा सीएलसी में। और हमेशा हम किसी को भी सजेस्ट करेंगे सर, सीएलसी हमारे दिलो दिमाग में केवल और केवल सीएलसी। दोस्तों देखो ऐसा है सीएलसी का, तो एक अटेम्प्ट में इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही सपना गांव के बच्चों का भी और एवरेज बच्चों का भी सपना साकार करती है सीएलसी। जय सीएलसी। धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।